नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद जेंद्र नीलांबुदाळिदळि तञ्जन पुञ्जमञ्जु नीलाचलधराय श्रीमुकुटायमानं नीलांबरानुजजं शरणं व्रजामः। नमस्कार दर्शक बंधु, आज कलिंग टीवी राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रथम आम जाणिनबा कौन रही आज दिन पंचांग। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 5 तारीख 2024 मसीहा सिंह 21 दिन भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि गुरुवार। आज हूँ पवित्र गुरु दिवस। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या चंद्र। आज अमृत समय बा शुभ समय बा शुभ बेला प्रातः 5:35 ठारु 7:12 पर्यंत ओ 10:24 ठारु 12:40 पर्यंत। आज राहु काल बारिष्ट काल बा अशुभ काल अपराह्न 2:48 ठारु 5:52 पर्यंत। आज हूँ तुला और कुंभ राशि घात बार एवं वृष राशि घात चंद्र। ये आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाणी आज दिन में जन्मग्रहण करव संपर्क आज हूँ सेप्टेम्बर मास 5 2024 मसीहा जार मूलांक हूँ 4। आज दिन में जन्मग्रहण करक्ति असाधारण प्रतिभाजुक्त होता बहु भू संपत्तिर अधिकारी होता सुस्थ और निरोगी होता धनाढ़ुक्त होता राजनीति में सफलता हासिल कर दुख से दुखी होता समदृष्टि संपन्न था। आज दिन में जन्मग्रहण करतिमानंकर व्यक्तित्व एवं आसतु जाणी आज दिन में 12 राशि राशिफल केमी घटव से मानकर आज प्रथम मेष राशि। मेष राशि आम देखा अश्विनी मेष 1/1 अश्विनी मेष जात व्यक्ति मानकर जदि कौन से कार्य को जाते सतर्कता अवलंबन करतु शत्रु उत्पन्न हो पारे मान मतांतर घटिपे मानसिक अशांति युक्त हो पारती शारीरिक असुस्थता देखादे पारे दरकार पड़े कौन से द्रव्य आपणकर हानि होगा किंबा आपण हाथ पातर कौन से द्रव्य फेरी जबार जथेष संभावना रही। द्विजा मेष जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र में अच्छा सतर्क रुहतु शत्रु बहुत हे कर्म क्षेत्र में टेनसन मानसिक अशांति युक्त हे जदि नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्ति निम्ते परीक्षा दौरते से व्याघात घटिपे या सहित कर्म क्षेत्र में प्रतिद्वंदी बहुत हे अर्थर अभाव रिंबा अर्थ जनित कारबार कर आर्थिक अवस्था सुधार होना किंबा आर्थिक अवस्था द्वंद्व घटिपे या सहित कर्म क्षेत्र में शत्रु माने षड्यंत्र रचना करी आपन को हैरान कर देबार जथेष्ट संभावना रहिछ। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानकर आपन कोनो से कार्य करबा को जाउचंते सेतरे द्वंद्व उत्पन्न हेबो व्यवसाय करचंते अजथा टेंशन रहिबे मानसिक अशांति रहिबो एवं व्यवसाय रे लॉस मध्य हेइ पारे जदि कहा सहित जॉइंट रे बिजनेस करचंते जदि कहा सहित कोनो से डील करुचंते सेतरे मध्य व्याघात सृष्टि हेइ पारे या सहित बंधु मानकर सहित किंबा संग साथी मानकर सहित कोनो से तर्क वितर्क हो पाए। एवं आम देखा मेष राशि षष्ठ चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवान लक्ष्मी नृसिंह को पूजा अर्चना करने सहित ओम लक्ष्मी नृसिंहाध्या नमः उक्त मंत्री जप करतु देखिए आज दिन टे कल्याणकारक आसन देखा। वृष राशि वृष राशि प्रथम आम देखा कृतिका वृष 3/2 कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर पिलाने जदि पाठ पढ़ुंत बहुत भल पाठ पढ़े आज का दिन में नूतन कर्म क्षेत्र में निजुक्त हो पारती उच्च शिक्षा लाभ निम्ते परीक्षा दौर कृत कार्य हो पारती या सहित कौन सी अफर मिलबार संभावना रही है विदेश यात्रा करने को चाहते आज का दिन में से अफर मिल पाए यह सहित मानसिक शांति शारीरिक सुस्थता रहा सहित कौन सी भल कम से जाऊँच से जयजुक्त हो पारे प्रशंसावार रोहिणी पुरुष जात व्यक्ति मानकर आपण कौन से बिजनेस करुंते अर्थर अभाव रही मानसिक शांति मिल शेयर मार्केट पैसा खटुंते से लाभवान हे बंधु दर्शन होगा दीर्घ दिन मनस्कामना आपंकर परिपूर्णता लाभ करवा विशेष भाव में व्यवसाय सफलता अर्जन करने सहित संचयशील मनोवृत्ति आपणकर मृगशिरा वृष जात व्यक्ति मानकर आपड़ राजनीति करुंते सोशल वर्क करुंते कूटनीति इत्यादि करुंते देखिए बहुत सफलता अर्जन करेंगे कौन से पदवी युक्त हो पारती आपण कौन से अफर मिलबार संभावना रही है समस्त आप प्रशंसावान हे लोक मैंने आपण को प्रशंसा करें आप परोपकार कम कर जनहितकर कम कर बेस
प्रशंसावान मध्ये हेइ पारंते। आसन देखिबा वृष राशि पंचम चंद्र कल्याणकारक अटे, मात्र वृष राशि घात चंद्र हेतबारु आपनको विशेष भाव खराब फल प्रदान करि पारे। एथिपाय आपन भगवान शंकर को पूजा अर्चना करबा सहित ओम तत्पुरुषाय नमः उक्त मंत्र टी जप करंतु। देखिबे आज दिन टे कल्याणकारक हेबो। आसन देखिबा मिथुन राशि रे प्रथम आमे देखिबा मृगशिरा मिथुन 5/3 मृगशिरा मिथुन जात व्यक्ति मानंकर राजनीति करुछंते सतर्क हि जानतु। मानसिक चापग्रस्त हे, लोक मैंने आपको निंदा अपवाद दे पारते, मानसिक स्थित बिगड़ जापे। यह सहित आपण का हाथ को आसुवा पदवी चली जथेष संभावना रही है। अर्थर अभाव सांग को आपणकर मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जा, कलह सृष्टि एवं मानमतांतर घटवार संभावना रही है। आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानकर जो कौन से कार्य को जाते विलंब हेब, मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जापर। यह सहित गुरुजन वर्ग के अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होगा सहित कौन से द्रव्य हानि होगा, द्रव्य चोरी होगा, किंबा आपण को ही गालीगुलज करवा, किंबा कौन से तर्क वितर्क होगा, तिक्तता भाव सृष्टि होवार जथेष्ट संभावना रही। पुनर्वश मिथुन जात व्यक्ति मानक जमीवाड़ी क्रय करते, घर द्वार क्रय करते, लिटिगेशन रही पारे, मानसिक अशांति घटी पारे, कलह लगी पारे, केस बास लगी पारे, अर्थर अभाव देखा जाय पारे, अर्थ को केन्द्र कर कलह लगवा सहित आपणकर पाख पड़ोसी भाई बंधु कुटुंब सहित मानमतांतर मध्य घटवार संभावना रही। मिथुन राशि चतुर्थ चंद्र अशुभत्व प्रदान कर, भगवान गजानन को पूजा अर्चना करने सहित गणपति अथर्पण सुक्तटी पाठ करंतु। देखिए आज दिन टे कल्याणकारक हे। आसन देखा कर्कट राशि, कर्कट राशि प्रथम आम देखा पुनर्वश कर्कट 7/4 पुनर्वश कर्कट जात व्यक्ति मानकर जमी बाड़ी क्रय करते, मानसिक शांति आपण को मिल पारे, जानवाहन क्रय करते, सुवर्णादे द्रव्य क्रय करते, पाख पड़ोसी भाई बंधु कुटुंब सहित सुसंपर्क रक्षा करते। यह सहित आपणकर मानसिक शांति मिलवा, मनस्कामना परिपूर्ण होगा सहित आपण को कौन से अफर मिल संभावना रही। पुष्या कर्कट जात व्यक्ति मानकर आपण राजनीति कर बहुत भल लेवल को जापरेंगे, मानसिक शांति आपण को मिल, अर्थर अभाव रही, समस्त साजोग आपरेंगे, कौन से पदवी प्राप्त होगा सहित आपण सम्मान पाइबा एवं विदेश यात्रा करिवार मध्य जथेष्ट संभावना रही। अश्लेषा कर्कट जात व्यक्ति मानक आजिका दिन में आपण व्यवसाय करने को बाहर जथेष्ट उन्नति करेंगे, सफल व्यवसायी हो पारे, व्यवसाय बहुत उच्चतर क्षेत्र को आपण जापरेंगे, मान मतांतर रही, शत्रु माने पराजित हो पारते, आपण को अर्थ मिलवा सम्मान मिलवा सहित कौन से धार्मिक कार्य लिप्त होवार जथेष्ट संभावना रही। आसन देखिबा कर्कट राशि तृतीय चंद्र कल्याणकारक अटे, आपण भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करने सहित ओम नमो नारायणाय उक्त मंत्र टी जप करंतु। देखिबा आज दिन टे कल्याणकारक हेबो। आसन देखा सिंह राशि, सिंह राशि प्रथम आम देखा मघा सिंह 10/5 मघा सिंह जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जदि कौन से कार्य को जाते ब्रेक हो पारे, मानसिक दुश्चिंता बढ़ी पारे, कौन से कार्य लिटिगेशन रही पारे, छोटकाटिया दुर्घटनाग्रस्त हो पारते, अपमान पाइबार जथेष्ट संभावना रही। पूर्वा फाल्गुन सिंह जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जदि आप कौन से नूतन कर्मक्षेत्र निजुक्ति निम्ते परीक्षा दौंते, किंबा कौन से क्षेत्र को जाते कौन से द्रव्य पाइबार अच्छी डील कर, देखिए से व्याघात घटव, मानसिक दुश्चिंता युक्त हे, शारीरिक असुस्थता रही पार, अर्थर अभाव देखा जापर, अर्थ को केन्द्र कर कलह लगे। यह सहित पाख पड़ोसी भाई बंधु कुटुंब सहित दुख दुर्दिन आसवर संभावना रही है, ये सतर्कता अवलम्बन करेंगे। उत्तर फाल्गुन सिंह जात व्यक्ति मानकर आपण बाहर रोचे प्राइवेट सेक्टर काम कर, सतर्कता अवलम्बन करेंगे, मानसिक दुश्चिंता बढ़ो, कौन से दुर्घटना घटी पारे, कहीं आपण विरुद्ध जापारती, कर्म क्षेत्र में टेनसन रहा, आपणकर कौन से कारण कर्म क्षेत्र कलह लगभग संभावना रही, अर्थर अभाव सांग को प्रमोशन ब्रेक लगे। यह सहित आपणकर शारीरिक असुस्थता देखाई पाए। सिंह राशि द्वितीय चंद्र अशुभत्व प्रदान कर, भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करने सहित ओम नमो भगवते वासुदेवाय उक्त मंत्र टी जप करंतु। देखिए आज दिन टे कल्याणकारक है। आसन देखा कन्या राशि, कन्या राशि प्रथम आम देखा उत्तरा फाल्गुनी कन्या 12/6 उत्तरा फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानकर मानसिक शांति मिल, शारीरिक सुस्थता रहिबो, मन भितर द्वंद्व रहिबो नाही, मनस्कामना परिपूर्ण लाभ करिबो, आपणक पाखरे किछ कलात्मक विद्या अछि, आपणक पाखरे पांडित्य गुण अछि, देखिए मान प्रशंसा पाइबा सहित
ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ହେବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଯଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଅଛି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇପାରେ, ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁପଚାର କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଫସଲ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ବା ଫସଲର ପୂର୍ବ ପଟେ ଲାଲ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ଫୁଲ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୁଲ ଆମଦାନୀ ଦେବ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରାତୁଳା, ଚଉଦ ବାଇ ସାତ। ଚିତ୍ରାତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ, ବହୁତ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇପାରେ, ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣ ଛୋଟକାଟିଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟକାଟିଆ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ରହିବ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଂଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶାଖା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥ କାହାଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, ଟର୍ଚର୍ କରିପାରନ୍ତି, ସହଯୋଗୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳାରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିସହିତ ତୁଳାରାଶିର ଘାତବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଧିମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧିମହି ତନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖା ବିଛା ଷୋହଳ ବାଇ ଆଠ। ବିଶାଖା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜିକା ଦିନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଇନକମ୍ ଭଲ ରହିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ ହେବା, ପରର ଉପକାର କରିବା, ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବା ସଂଗଠନମୂଳକ କାମ କରି ବେଶ ଜନହିତକର କାମ କରି ପ୍ରଶଂସାବାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନମାଂଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିବା, ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ, ଯଦି ଆଜି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର୍ ମିଳିପାରେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛାରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ହନୁମତୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ।
आसन देखा धनुराशि। धनुराशि प्रथम आम देखा मूलाधनु उन्नीस बैस मूलाधनु जात व्यक्ति मानकर मनस्कामना परिपूर्ण हेबना मन भितर द्वंद रहा कौन से कार्य को जाऊँच विलंबित होगा तर्क वितर्क घटा मान मतांतर घटा अर्थर अभाव देखा यह सहित आपत जदि कौन से कार्य को जाऊँ से व्याघात घटवार संभावना रही है आपण हाथ मुठारे थिले कार्य जयजुक्त हो पारे ना। पूर्वाचारा धनु जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र टेनसन रहा अजथा निंदा अपवाद रहा विशेष भाव में सहकर्मी मैंने आपण सहित सुसंपर्क न रखा जाणीशु आपको हईरा करवा कि कौन से द्रव्य चोरी नहीं जावा कि आपन को तुछाटारे निंदा अपवाद देवार संभावना रही चोरी न करे आप चोर से परिगणित हो पारते तेणु सतर्कता अवलम्बन करेंगे मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जा पाए। उत्तराशाढ़ा धनु जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जब आप कौन से कार्य को बाहर से द्वंद्व उपजा मानसिक अशांति रहा पाख पड़ोसी मान सहित सुसंपर्क न रहा पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सुसंपर्क न रहा पाने व्यतीव्यस्त होगा सहित कर्म क्षेत्र निजुक्ति निम्ते जाघात घटे पाए यह सहित शारीरिक असुस्थता देखा दे पाए। एवं आम देखा धनुराशि दशम चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवान लक्ष्मीनारायण को पूजा अर्चना करने सहित ओम पद्मनाभाय नमः उक्त मंत्रटि को जप करंतु देखिबे आजर दिनटे कल्याणकारक आसन देखा मकर राशि। मकर राशि प्रथम आम देखा उत्तराशाढ़ मकर एक दस उत्तराशाढ़ मकर जात व्यक्ति मानकर धार्मिक चिंताधारा उद्रेक हम परोपकार दिन की अतिवाहित करने मानसिक शांति रहा शारीरिक सुस्थता न रहा एवं विशेष भाव संगठनमूलक काम कर विशेष भाव नेतृत्व नहीं पर को उपकार करने परर उपकार करने जनहितकर काम समय अतिवाहित कर संभावना रही विशेष भाव धार्मिक कार्य लिप्त होगा सहित धर्म चर्चा करने कि कौन से तीर्थजात्रा कर सुवर्ण सुजोग मिल पाए। श्रवण मकर जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में जब आप कौन से कार्य को जाऊँ जयजुक्त हो पारे मानसिक शांति मिल नूतन कर्म क्षेत्र में निजुक्त हो पारे दीर्घ दिन समस्या दूरीभूत हो पाए पाख पड़ोसी मान सहित कलह रही मान मतांतर रही केशवास रही झगड़ा रही समाधान घटव मानसिक शांति मिल सहित आपन कौन से अफर मिल पाए। धनिष्ठा मकर जात व्यक्ति मानकर आजिका दिन में आपण बाहर रोचे प्राइवेट सेक्टर में काम करुंटे आईटी सेक्टर में काम करुंटे देखिए मनवांछा परिपूर्णता लाभ कर समस्त सहित सुसंपर्क रक्षा करें धार्मिक चिंताधारा उद्रेक हो आपमिशी कौन से सेवा कर मिलमिशी कौन से कार्य को जी बा सा बेस आत्मप्रशंसा लाभ करने सहित आपण को बहुत भल अफर मिलवा खुशी खबर मिलबार संभावना रही है। देखा मकर राशि नवम चंद्र कल्याणकारक अटे आप भगवान सीताराम को पूजा अर्चना करने सहित ओम राम भद्राय नमः उक्त मंत्रटि को जप कर देखिए आज दिन टे कल्याणकारक हमें देखा कुंभ राशि। कुंभ राशि प्रथम आम देखा धनिष्ठा कुंभ 23/11 धनिष्ठा कुंभ जात व्यक्ति मानकर मान मतांतर घटव छोटकाटिया दुर्घटना घटी पारे विशेष भाव आप विचलित हो पारे मानसिक अवस्था सुधार आसब ना शारीरिक असुस्थता बिगड़ शारीरिक असुस्थता देखा जावा सहित पाख पड़ोसी भाई बंधु कुटुंब सहित सुसंपर्क न रही पारे निंदा अपवाद मिलवा दरकार पड़े आपण कौन से केस वास फसी जबारना रही शत्रु मैंने आपण को हैरान कर दे पारे। सतमिशा कुंभ जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र टेनसन र निंदा अपवाद रहा जब कहूँ अर्थ आनी सहित डिल करते धरा पड़ जापारे मानसिक दुश्चिंता सहित निंदा अपवाद दरकार पड़े आपण कौन सी केस बास फसी जबारना रही सहित कौन से द्रव्य हजिजा कर्म क्षेत्र टेनसन रहा एवं उपरिस्थ अफिसर मैंने आपको टर्चर करना पूर्ववाद द्रव कुंभ जात व्यक्ति मानकर कौन से कार्य को जाऊँच जयजुक्त हे ना झगड़ा लगवा गंडगोल होगा कौन से केस बास फसवा दरकार पड़े आपण अतर्कित आक्रमण करना रही कर्म क्षेत्र को जाऊँगी जयजुक्त होगा ना नूतन कर्म क्षेत्र निजुक्ति निम्ते परीक्षा देते से व्याघात घटि पारे विशेष भाव में समस्या भितर आप रही पारे से जत्नवान हे कुंभ राशि अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान कर कुंभ राशि घातवार रही आपन को विशेष भाव में खराब फल प्रदान करें भगवान शंकर पूजा अर्चना करने सहित महामृत्युंजय मंत्र को जप करूँ देखिए आज दिन कल्याणकारक
आसन्त देखा मीन राशि। मीन राशि प्रथम आम देखा पूर्व भाद्र मीन 25/12। पूर्व भाद्र मीन जात व्यक्ति मानकर मनमांछा परिपूर्णता लाभ कर। ऐश्वर्यवान हे दीर्घ दिन मनमांछा परिपूर्णता लाभ कर। बंधु दर्शन हवा आपण कौन से अफर मिलवा शुभ खबर प्राप्ति होगा सहित सुवर्णादि द्रव्य क्रय कर संभावना। उत्तर भाद्र मीन जात व्यक्ति मानकर जमी बाड़ी क्रय करते। पुराणा घर द्वार अच्छे मरामती नूतन गृह आरंभ करते। या छा आपण कौन से अफर मिलवा नूतन कर्म क्षेत्र में नियुक्ति होगा। समस्त सहित सुसंपर्क रक्षा करें दरकार पड़े आपण विदेश जात्रा करवा कि तीर्थ जात्रा कर सुवर्ण सुजोग मिल पाए। रेवती मीन जात व्यक्ति मानकर कौन से भी समस्या रही तार समाधान घट। बंधु दर्शन हवा समस्त सहित उत्तम संपर्क रक्षा करपर अकस्मात धन प्राप्ति होगा सहित मानसिक शांति आपण को मिल पार एवं कौन सी भी कार्य को जाते विजय लाभ कर संभावना रही। पारिवारिक जीवन सुखमय एवं आम देखा मीन राशि सप्तम चंद्र कल्याण कारक आपण भगवान शंकर को पूजा अर्चना करने सहित नम शिवाय उक्त मंत्र कर देखिए आज दिन कल्याण कारक। ये तो थी आज दिन बारटी राशि राशिफल एवं आसत जाना जदि आम जन्मजातक गोटे जोग रही है भाग्ययुक्त जोग केत सृष्टि हुए शास्त्रकार मैंने कहते दशमाधिपति द्वितीय ओ धनाधिपति नवम थे जोग सृष्टि योग सृष्टि जोगजात व्यक्ति मैंने बहु कम बयस बहुत भाग्यवान होता बहुत उपरक उठी था वित्तशील एवं समय जाए दर्शक बंधु आज राशिफल कार्यक्रम को यही विराम देवा। विराम देवा पूर्व भगवान पाखे प्रार्थना कर आज दिन टे शुभमय एवं सुखमय। जय जगन्नाथ।